जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सब ठीक हैं। अच्छा, आज जो है वो हम ये बनाएंगे ब्लैक पॉम्फ्लेट। तो इसको करना है हमने फ्राई। कल ही ले आया था मैं ये बनाने के लिए। पूरा साबित पीस है और पीसेस नहीं करवाए थे क्योंकि हम लोग ज़रा इसको फुल पीस को फ्राई करके खाने के शौकीन हैं। तो इसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे और मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे। तकरीबन एक केजी का है पीस। अच्छा जी, फिश हमारी बड़े अच्छे से वॉश हो गई है और ये चिकन सॉरी फिश फ्राइड मसाला है। मैंने इधर बाहर का यूज़ कर रहा हूँ, आप बेशक चाहें तो घर में बना के लगा सकते हैं घर के मसाले। फिश बड़े अच्छे से वॉश हो गई है। अब इसको लगाते हैं मसाला। अच्छा जी, मसाला मैंने रेडी कर लिया। बड़ा अच्छा सा थिक सा बनाया है तो उसको हम अभी लगाते हैं फिश पे। तो हाथ से भी लगा सकते हैं आप, जिस तरह कोई इजी हो। इस तरह से करके अच्छे से कट्स भी लगवाएं कट्स के अंदर भी, ताकि मसाला अच्छी तरह जाए। तो फ्राई होगा तो टेस्ट जो है ना, ये डीप मसाला जब अंदर जाएगा इसके तो मीट में बड़ा अच्छा जायका पैदा होगा। इस तरह से करके ठीक है। अब उसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसी तरह ही इक्वली दोनों तरफ लगाना है। ये है ब्लैक पॉम्फ्लेट। व्हाइट भी होती हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं, ये ब्लैक है, बड़ी नस्ल है इसकी। अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन में बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग पॉम्फ्लेट, कोई पॉम्फ्लेट, हर बंदा अपने स्टाइल से बोलता है। इस तरह करके ये बड़ा अच्छा सा मसाला लग गया। इसको भी हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए और जब फ्राई करने लगूँगा तो फिर आपको दिखाता हूँ दोबारा फ्राई करते हुए। अच्छा जी, मछली अच्छी सी मसाला लग के मैरिनेट हो गई है काफ़ी देर, 8-10 घंटे हो गए हैं। अभी ऑयल रखती है कढ़ाई में गर्म करने के लिए, तो इसको डालते हैं। अच्छा जी, ऑयल हो गए, अच्छे से गर्म हो गया ऑयल। तो अब हम इसको फिश को डालते हैं। ऑयल अच्छा सा गर्म हुआ हुआ है। थोड़ी देर बाद उसकी जो है ना साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा ना तो साइड साइड से यूँ हिलाते रहना ताकि बीच बीच लग ना जाए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पक रहा है। फ्लेम मैंने कम कर दिया थोड़ा, तो 10 से 15 मिनट को इस पर पकाएंगे फिर इसकी साइड चेंज करेंगे।
अच्छा जी, 15 मिनट हो गए हैं, तो मेरा ख्याल अभी फिश का जो साइड है चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे पकी है साइड से। अच्छा पक रहा है, चेंज करता हूँ साइड, आपको दिखाता हूँ। ये इसकी भी साइड चेंज की है और ये यहाँ से पक गया, 15-20 मिनट बाद ये पूरी रेडी हो जाएगी। ये फिश रेडी हो गई, अभी इसको डिश आउट करते हैं, देखते हैं कैसी पकी है। ये हमने डिश आउट कर ली है, फिश बड़ी जबरदस्त पकी है। फौरन ही पक जाती है, बड़ी सब।